हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वन का ये फोर नंबर है, तो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है 11 पदों तक। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन में ए इज इक्वल कितना दिया हुआ है, 1/15 यानी 1/15 दिया हुआ है, ये लिख दिया। और हमें क्या चाहिए, डी चाहिए कॉमन डिफरेंस के लिए, सार्वांतर के लिए। डी इज इक्वल क्या होता है, a2 - a1। a2 का मान कितना है, 1/12 है, माइनस 1/15 है यानी 1/15। अब इसका हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो क्या करेंगे, 12 और 15 का हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं, उसको लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 का है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का पावर लिखते हैं, नंबर को 12, 12 दो 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 और 12 पचे 60, तो यहाँ 60 लिखते हैं। उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 15 का पावर पाते हैं, 15 का 15, 15 दो 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60। अगर देखिए कॉमन किस में मैच कर रहा है, फर्स्ट में कॉमन यहाँ पे 60 आया, यहाँ भी 60 आया, दोनों में 60 कॉमन आ रहा है, यानी एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 12 का पहाड़ा में 60 आता है, 15 का पहाड़ा भी 60 आता है। तो फर्स्ट में जो है एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो 60 आता है। यानी फर्स्ट में 60 मैच कर गया, इसलिए हमारा यही निकलेगा एलसीएम। और दूसरा तरीका भी एलसीएम निकाल सकते हैं, 12-15 का आपको एलसीएम निकाल के हमें 60 ले देना, तो ये आसान तरीका इसके लिए। और यहाँ पे कितना है, 12, 12 पचे 60, 5 बार में ये कट जाएगा 60, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 15 दो 30, 15 चौका 60, 60 काटना 15 चौका 60, 4 बार में कट गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 5 में 4 कटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/60 निकल गया कॉमन डिफरेंस, 1/60 डी निकल गया। तो 11 पद हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, फॉर्मूला जो है एस एन बराबर उसको लिख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 × d। इसी फॉर्मूला हम लोग सेट कर देंगे। एस एन क्या था निकालना है, 11 पद होता है, एस 11 हम लिखेंगे बराबर, एन के जगह कितना है 11/2 ब्रैकेट 2, ए का मान कितना दिया 1/15, तो यहाँ पे इंटू सन देख लिखते हैं 1/15 प्लस n-1, एन के जगह कितना है 11 है, तो 11 में से 1 घटाएंगे इन 11-1, और डी डी का मान कितना है 1/60, इसको लिख दिए ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा ये तो यहाँ पे क्या है, 11/2 को सेम यहाँ पे उतार देते हैं। अब इसको भी क्या करेंगे, ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे क्या है 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2/15 प्लस 11 में से कटा कितना है 10 गुना 1/60 है, ब्रैकेट बंद। तो 0-0 हम लोग कट सकते हैं, ये 0 है, 10 10 6 60 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1/6 बच जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, 11/2 लिखते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट में आ जाएगा 2/15 प्लस 1 से 1 गुना हो देखा जाएगा तो बच जाएगा 1/6, ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 11/2 सेम उतार देते हैं, आप कोई चेंज नहीं करते हैं। अब हमें इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करना है, जो तरीका बताया था कि टेबल पढ़ के निकाल सकते हैं, तो 15 का 15 पढ़ेंगे और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 6 का पहाड़ा पढ़ते चल जाएंगे तो कितना बार में आएगा। और भी अगर दिक्कत लगता है तो यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एलसीएम 15 और 6 लिखिए यहाँ पे, और इससे किससे टेबल में कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, ठीक है। तो 3 × 5 = 2 यानी 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30, तो 30 दोनों में आ जाएगा, तो 30 हमारा निकल गया एलसीएम। अब 15 × 2 = 30 दो बार में कट गया, 2 को गुणा कर 2 × 2 = 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 है 6 × 5 = 30, 5 आया, 5 को 1 से गुणा करेगा तो 5 आएगा, 11/2 हो गया यहाँ पे सेम उतर गया, इंटू सन देते हैं 5 × 4 = 9 हो जाएगा, 9/30। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, अगर कटते तो काटेंगे, यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे 30 कट जाएगा, 3 × 2 = 30, 3 × 3 = 9, यानी कितना बन गया यहाँ पे 11/2 × 3/10, तो 11 × 3 = 33 हो जाएगा, और 2 × 2 = 20, तो 33/20 आया, ये हो गया आंसर। इसका आगे जो प्रॉब्लम है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।